हेलो चिल्ड्रन, हमने लास्ट क्लास में ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स कर लिए थे, याद आ गया? ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, हम प्रोटिस्टा का ये ग्रुप, स्पेशल ग्रुप स्लाइम मोल्ड स्टार्ट कर चुके थे। और मैंने बताया था सारे स्लाइम मोल्ड्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दे अंडरगो। ठीक है, सो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, फिर वील गो टू द डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस पूछते हैं। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स का अकरेंस जो है वो ह्यूमस मतलब डैम सॉइल, जो अपर लेयर ऑफ ह्यूमस ऑफ सॉइल होती है उसको ह्यूमस बोलते हैं, गीली मिट्टी में ये पाए जाते हैं। इनकी सोमैटिक फेज, नॉर्मल वेजिटेटिवली ये किस तरीके के होते हैं, दैट इज हैप्लॉइड। जबकि ध्यान रखना, ए सेल्यूलर का वेजिटेटिव फेज या सोमैटिक सेल जो फेज था, याद आया आपको, प्लाज्मोडियम, दैट वाज डिप्लॉइड, इसका हैप्लॉइड है, यूनी न्यूक्लिएट है, एक सिर्फ एक न्यूक्लियाई, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई थे। कंपेयर दिमाग में सोचते रहिए तो डिफरेंस बहुत आसान आ जाएगा। सो यूनी न्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज मिक्स अमीबे, विच इज कॉल्ड एज मिक्स अमीबे। ठीक है, इट इज यूनिसेल्यूलर साइटोप्लाज्म, यूनिसेल्यूलर, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अमीबॉइड इन शेप, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स अमीबे। ओके, एंड दिस मिक्स अमीबे इज हैप्लॉइड इन नेचर, सो दिस इज द सोमैटिक फेज। ओके, नाउ दिस मिक्स अमीबे दे लैक, सो मिक्स अमीबे दे लैक सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल नहीं होती, ओनली मेम्ब्रेन इज देयर, एंड बिकॉज दे हैव मेम्ब्रेन सो दे आर अमीबॉइड, दे कैन चेंज देयर शेप। नाउ ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल व्हाट हैपेंस, द मिक्स अमीबे डिवाइड एंड ऑल आर हैप्लॉइड, दीज नंबर ऑफ, व्हेन दे इंक्रीज इन नंबर दे ऑल एग्रीगेट, सब इकट्ठे होते हैं, एंड उनका मेम्ब्रेन बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, बट ओनली दे एग्रीगेट, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस एग्रीगेटेड फॉर्म, इंडिविजुअल सेल अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, ऐसा मल्टी सेल्यूलर एग्रीगेशन को बोलते हैं सूडो प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं इसको, सूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है, ओके, नाउ बिकॉज ईच एंड एवरी मिक्स अमीबा अपनी आइडेंटिटी रखता है, सब सेल्स अलग अलग रहते हैं, बस साथ आ गए हैं, सूडो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लिया है, बट दे शो डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, दे शो डिविजन ऑफ लेबर, सब काम बांट लेते हैं अपना, और क्योंकि कम्युनिटी टाइप बना के रहते हैं साथ, एक साथ, इसके लिए इनको बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्यूनल स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, बिकॉज एक साथ रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडो प्लाज्मोडियम। क्लियर है? नाउ अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल दे परफॉर्म डिविजन ऑफ लेबर, तो काम बांट लेते हैं, सो few cells form the stalk, vertical stalk during
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम कुछ सेल्स जो एग्रीगेटेड सेल्स हैं दे फॉर्म द स्टॉक एंड फ्यू सेल्स फॉर्म द स्पोरेंजियम. सो काम बांट लेते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, फ्यू सेल्स फॉर्म द स्पोरेंजियम. सो दिस इज द स्पोरेंजियम एंड फ्यू सेल्स दे फॉर्म अ वर्टिकल स्टॉक. क्लियर है? सो द स्टॉक विच इज फॉर्म्ड इन द सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड एज द स्पोरोकार्प. द स्पोरोकार्प, दिस इज द स्टॉक. द होल स्ट्रक्चर इज स्पोरोकार्प. ठीक है? नाउ ऑल आर, सो दिस इज दिस स्टेज, दीज ऑल स्टेजेस वी कैन कॉल, दे आर सूडोप्लाज्मोडियम मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेल्यूलर. एक मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर नहीं है, मल्टी सेल्यूलर है. सेल अपने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख के साथ में रह रहे हैं, इसलिए कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स. वो सारे अपना काम का बंटवारा कर रहे हैं. फ्यू फॉर्म्स फॉर्म द स्टॉक, बचे कुचे दे फॉर्म द स्पोरेंजियम. अब ध्यान रखना, मैंने जब बताया था ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, तो मैंने बताया था द रिजिड सेल वॉल इज कॉल्ड एज पेरिडियम. लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रिजिड सेल वॉल नहीं बनती. प्लस आपको याद होगा वहाँ उनके स्पोरेंजियम में वेन लाइक स्ट्रक्चर था, कैपीलीटियम. नो कैपीलीटियम लाइक स्ट्रक्चर इन द स्पोरेंजियम ऑफ सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स. नाउ व्हाट हैपेंस, द फ्यू सेल्स विच फॉर्म द स्पोर. सो स्पोर इज फॉर्म एंड नाउ रिमेंबर द स्पोर इज, दिस इज एन हैप्लॉइड स्पोर. जो स्पोर बनेंगे वो भी हैप्लॉइड है, बट स्पोर हैज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज, द स्पोर हैज सेल्यूलोज सेल वॉल. ठीक है? स्पोर की कैसी वॉल है? सेल्यूलोज की सेल वॉल है. ओनली द स्पोर इज हैविंग सेल्यूलोज सेल वॉल. स्पोर इज ऑल्सो हैप्लॉइड. द स्पोर जर्मिनेट्स, स्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू The spore will germinate and will give rise to a mix amoebae. क्या germinate होके क्या निकलेगा? A mix amoebae. Clear है? And this mix amoeba will now it will divide to form number of mix amoebae and all are haploid. The largest one will act like female gamete. Number of smaller ones will, they will act like male gamete. And two, one large and one male and female, they will fuse. When one male and female fuse, what is formed? A diploid zygote. What is formed? A diploid zygote. Now remember, after this zygote which is diploid, iske andar meiosis hota hai. Zygote which is diploid, it undergoes meiosis. Isko bolte hain macrocyst. Kya bolte hain isko? Kyunki अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये जाइगोट थिक वॉल से कवर्ड रहेगा, तब तक उसको बोलते हैं मैक्रोसिस. जब कंडीशंस नॉर्मल आ जाती हैं तो इस जाइगोट में के न्यूक्लियस में मियोसिस होगा. तो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स में कौन सा मियोसिस होता है? जाइगोटिक मियोसिस. और ध्यान रखना, उसमें कब हुआ था? स्पोर बनते, स्पोरिक मियोसिस. यहां कौन सा होता है?
जाइगोटिक में, ये डिफरेंस के पॉइंट हैं, अभी अपन देखेंगे. सो क्या बन गया, जाइगोट्स के में मियोसिस हुआ तो इसमें जाइगोट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मैक्रो. मियोसिस में एक से कितने बनते, फोर स्पोर्स. हर एक स्पोर से जो कि हैप्लॉइड है उससे क्या अराइज होगा, मिक्स अमीबे. एंड द मिक्स अमीबे वी स्टार्टेड आर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉम द मिक्स अमीबे एंड नाउ द लाइफ साइकिल इज कंप्लीट ऑफ सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स. Sometimes this is a method of perination. What is perination? Perination is unfavorable conditions ko paar karna. What happens? Sometimes these mixed amoebae, they secrete a wall around them, a thick wall, which and these thick wall structures are called as perination wale thick wall structures are called as microcysts. Kya bolte inko, microcysts. And these microcysts, they remain viable for months or even for years in the soil. Whenever the favorable conditions appear, the wall ruptures and a mixed amoebae comes out. So this is nothing reproduction ka tarika. It is only to avoid the unfavorable conditions. Then cellular slime molds form microcyst. Remember, microcyst, not macro. Macro is the life cycle mein maujood wala spore. Zygote ke upar jab wall ban jaye to macrocyst. Clear hai? The examples of cellular slime molds are Dictyo, common example. There are two examples, not many, two examples which you have to learn. So there are Dictyostelium. This is the one of is Dictyostelium. Dictyostelium, and the other is Polysiphonodylium. So these are the two examples of cellular slime molds which you have to learn, Polysiphonodylium and Dictyostelium. मैं एक बार और बताती हूँ, फिर अपन डिफरेंस करेंगे फटाफट. द सोमैटिक बॉडी इज सिंगल सेल विदाउट सेल वॉल, यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कॉल्ड मिक्स अमीबे. दे डिवाइड एंड और नंबर ऑफ मिक्स अमीबे विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे जस्ट कम टुगेदर, दे डू नॉट फ्यूज, दे जस्ट कम टुगेदर टू फॉर्म अ सूडो प्लाज्मोडियम which retain their identity. They are, and that whole structure appears as multicellular structure with each cell having its own nucleus. This aggregated pseudoplasmodium, each and every cell of mixed amoebae, because they come together and they have their different, divide their work, that is division of labor. So they are also called as communal slime molds. Now they form a stalked sporocarp and sporangium. Sporangium different hota hai acellular ke sporangium se. These cells which form spores are haploid. These spores, they give rise to mixed amoebae which large and small. The larger one is considered as female. The smaller ones are male. They all come together and one male and female, they fuse to form a diploid zygote. This zygote, when it has to avoid unfavorable condition, it will secrete a wall. It is called as macrocyst. Otherwise, it undergoes reduction division meiosis to form four haploid spores, and these spores germinate to give rise to mixed amoebae. That is the somatic phase. Clear hai? So this is about the cellular slime mold. Now
वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड. सो सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स का डिफरेंस हम फटाफट करते हैं. और आपको अगर लाइफ साइकिल पता है तो यू कैन ईजिली नो द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. सो डिफरेंस बिटवीन ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर. ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर. सोमैटिक फेज क्या है ए सेल्यूलर में? इट इज डिप्लॉइड, इट इज हैप्लॉइड. अभी पढ़ा हमने सोमैटिक फेज क्या है सेल्यूलर में? हैप्लॉइड. और ए सेल्यूलर में क्या है? इट इज डिप्लॉइड. देन सोमैटिक फेज कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेल्यूलर? लार्ज साइज, लार्ज साइज, मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, है ना? ये कैसा है? ये मल्टी न्यूक्लिएट है, ये मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर सूडो प्लाज्मोडियम. और नहीं, अगर सॉरी सोमैटिक फेज है तो यहां पर आप लिखेंगे सिंगल सेल यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट मिक्स अमीबे. ओके, यस. तो ये इसका डिफरेंस हो गया, ये इसका डिफरेंस हो गया, ठीक है? यूनी न्यूक्लिएट मिक्स अमीबे. थर्ड, सेल्यूलर में सूडो प्लाज्मोडियम फॉर्म्ड. इसमें ऐसा कोई सूडो प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता. प्लाज्मोडियम तो इसका सोमैटिक फेज ही है. सो सूडो प्लाज्मोडियम फॉर्म. देन स्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय पेरिडियम. स्पोरेंजियम इज नेकेड. स्पोरेंजियम कवर्ड बाय पेरिडियम. इसमें स्पोरेंजियम इज नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड बाय कैपिलिटियम. Present in the sporangium, absent. Capillitium जैसा कोई structure नहीं पाया जाता. Meiosis in A cellular, it is sporic meiosis. At the when spores are formed, then sporic meiosis. और इसमें zygote में होता है, zygotic meiosis. इसमें कौन सा होता है? दैट इज जाइगोटिक मियोसिस. सो द एक्चुअल में स्पोरिक नहीं लिखना चाहिए, स्पोर गैमीट्स बनते वक्त गैमीटिक होता है, मोर करेक्ट. गैमीट्स बनते वक्त होता है, यहाँ पर जाइगोट के समय होता है, ठीक है? देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस. क्यों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा है? आइसोगैमस. व्हाई आइसोगैमस? आपको याद है ऐसे मैंने बताया था स्वैम सेल्स हैं, स्वैम सेल्स हैं, या तो स्वैम सेल्स यूनाइट होंगे गैमीट्स के फॉर्म में तो दोनों एक जैसे हैं, या फिर दो मिक्स अमीबे तो आइसोगैमस. और यहां पर फीमेल बड़ा है और मेल छोटा है, सो सेक्सुअल क्या होगा? एन आइसोगैमस. क्लियर है? सो सेक्सुअली जो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं दे आर नॉट ऑफ सेम साइज. अच्छा, फ्लैजिलेट स्वैम सेल्स में आकर ये वाले. सो स्वैम सेल्स
सेल्स में आकर लाइफ साइकिल में हो सकते हैं, लेकिन नो फ्लैजी कहीं भी लाइफ साइकिल में नो फ्लैजिलेट सेल्स, ठीक है, नो फ्लैजिलेट सेल्स. सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर लाइम मोल्ड. और आप बहुत सारे और अपने मन से बना सकते हैं. मैक्रोसिस्ट कभी होता नहीं है फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये एक और एडेड. नो मैक्रोसिस्ट कुछ भी जैसा स्ट्रक्चर ए सेल्यूलर में, नो मैक्रोसिस्ट फॉर्मेशन, और इसमें होता है मैक्रोसिस्ट फॉर्मेशन फॉर्मेशन अकर. सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस. आप इतने सारे डिफरेंसेस अगर लाइफ साइकिल पता है तो यू कैन गिव, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको डिफरेंस आ सकता है. क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स द ग्रुप्स लाइम मोल्ड्स. सो प्रोटेस्टा में हमने फोटोसिंथेटिक सारे ग्रुप्स कर लिए हैं. कंज्यूमर डिकम्पोजर ग्रुप है ये, ठीक है. अब हम जो नेक्स्ट ग्रुप पे आ रहे हैं उसमें मोस्टली पैरासिटिक है, और अकॉर्डिंग टू द लोकोमोटरी ऑर्गन दे पजेस वो क्लासिफिकेशन हम करेंगे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. सो वील कंटिन्यू आर किंगडम प्रोटिस्टा इन आर नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू.